गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार भाटी। यूट्यूब की इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका फिर से एक बार धमाकेदार स्वागत है। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है 8128181300। अगर आपको वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे हैं तो आप जस्ट आपके मोबाइल नंबर से या आपके व्हाट्सएप वाले नंबर से जस्ट हमें एक बार डिलाइट लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम आपका वो नंबर डिलाइट के व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आपको जो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। डॉक्यूमेंट्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, पेपर सॉल्यूशंस हैं, वो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। आइए दोस्तों, आज का टॉपिक है दशांश अपूर्णांकना मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, दशांश अपूर्णांकना गुणाकार, बे दशांश दशांश वाली संख्या हो तो ना गुणाकार के विधि करीशू, या कोई भी जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यानी जब भी आपको जो डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और उस टाइम पर आपको जो मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक रूल काम करता है इसके पीछे। तो देखिए ये रूल कैसे काम करता है, आइए सम करते हैं। हमारे पास चार सम है, ए बी सी डी, बट मैं ए डी और सी करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन करता हूँ, 2.3 × 1.7। ठीक है, आपको पॉइंट वाले सम नहीं आते, मगर आपको विदाउट पॉइंट वाले सम तो आते ही आते हैं। यानी अगर मैं एक आइडिया यूज़ करता हूँ कि अगर मैं किसी भी तरीके से इसका जो पॉइंट है वो निकाल दूं, तो मेरे को नंबर क्या हो जाएंगे, नंबर विदाउट पॉइंट मिलेंगे, तो मैं इसको इजीली कर सकता हूं, मल्टीप्लाई हो सकता है हमारा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनके जो पॉइंट्स हैं वो निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, यानी पॉइंट के बाद थ्री अकेला, यानी एक नंबर हुआ। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक नंबर है, वन पॉइंट के बाद सेवन है, इसलिए मैं वन डिजिट मान रहा हूँ, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है। अभी क्या करता हूँ, मैं दोनों का प्लस कर लेता हूँ, यानी कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, अभी मैं इस टू को साइड पर रखता हूँ, अभी इसको कुछ करना नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं, क्या करोगे, इस टू को साइड पर रखो और अभी पॉइंट भूल जाओ, यानी कितना हो जाएगा, 23 17। अभी आपको पॉइंट में पॉइंट है वो ऐसा निकाल देना है दिमाग में से, पॉइंट है ही नहीं ऐसा मान लेना है। ठीक है, देखो एक क्लास फर्स्ट के अंदर आपने शायद किया होगा, सेवन का मैं ज़ीरो रख रहा हूँ। ठीक है, 1 3 3, 1 2 2, 7 3 21 कैरी गया वन ऊपर, 7 2 14 14 15 16, इनका हम प्लस करेंगे तो 1 6 3 9 3। ठीक है, मेरा आंसर कितना आया, 391। मेरा आंसर कितना आ रहा है, 391। अभी मुझे वो टू याद करना है वापस, जिसके ऊपर हमने स्टार लगाया था। अभी टू को वापस याद करो और अपने आंसर के अंदर पॉइंट उस जगह पे लगाओ कि पॉइंट के बाद दो नंबर आने चाहिए। दो नंबर क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्लस करने के बाद क्या आया था, टू आया था। यानी आंसर के अंदर पॉइंट उस जगह पे लगाओ जिसके बाद दो डिजिट आनी चाहिए। यानी मैं क्या करूँगा, पीछे से जाऊँगा 1 2, यानी मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊँगा, तो देखो पॉइंट के बाद दो नंबर आ गए। ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3.97। ठीक है, यानी अगर आपको कोई पूछता है कि 2.3 × 1.7 कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 3.91। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप जो क्वालिटी बटन है उसके ऊपर जाके जो हमारा 720 हाई डेफिनेशन या 1024 हाई डेफिनेशन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो है वो ईजिली और हाई डेफिनेशन मोड में दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला सम करता हूँ जो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप ट्रिक यूज़ करते हो तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये 0.002 × 1.2 है। ठीक है, अभी काम करते हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, थ्री नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं, वन है, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको स्टार लगा देते हैं। ठीक है, इसको लास्ट में देखेंगे क्या होता है। अभी पॉइंट को भूल जाओ, यानी देखो पॉइंट के बाद दो जीरो हैं, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, यानी कितना रहेगा, सिर्फ 2, और पॉइंट निकल जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, 12, यानी 12 2 = 24। ठीक है, 12 2 = 24 हुआ। अभी पीछे से जाना है और 24 को इस तरीके से पॉइंट लगाना है कि पॉइंट के बाद चार डिजिट आनी चाहिए, पॉइंट के बाद चार डिजिट आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पीछे से जा रहा हूँ, देखो 1
2, 3, 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, यानी कि देखो पॉइंट के बाद चार डिजिट हो गई 1, 2, 3, 4, मगर पॉइंट के आगे भी क्या आएगा, 0 आएगा, यानी मेन आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.002 × 1.2 = 0.0024, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। आशा करता हूँ कि आपका हम आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आपके लिए बहुत ही फंडामेंटल जो क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको जो पसंद आ रहा है उसके बाद भी कमेंट कीजिए, और आपको जो कंटेंट लगता है कि कंटेंट मिस हो रहा है और हमें ये कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको जो कंटेंट जो आप मेंशन करोगे वो कंटेंट की वीडियोज़ हम अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, सही सोचिए, बड़ा सोचिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक टू योर फ्यूचर। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, अलर्ट बटन पर प्रेस कीजिए, ठीक है। मैं हूँ गिरीश कुमार भाटी, आपकी हेल्प करता रहूँगा, और हमारी वीडियोस को आप शेयर करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, विश ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड टाइम।